फूली फूली पूड़ियाँ हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पूड़ियाँ फूलती नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक आसान सी ट्रिक जिससे आपकी पूड़ियाँ एकदम फूली फूली बनेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, अजवाइन, जीरा, कसूरी मेथी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जिससे हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी खुश्क बनेंगी। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें मिक्स नहीं करना, बस सारा जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, ताकि कहीं नमक ज़्यादा ना हो और कहीं नमक कम ना हो। तो लीजिए, अब सब कुछ अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, क्योंकि आटा हमें रोटी की तरह नहीं लगाना, आटा हमें थोड़ा सा सख्त लगाना है। तो फ्रेंड्स, इतनी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेके आने वाली हूँ। देखिए, आटा मैंने पूरा गूंथ लिया है। अब हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट गूंथेंगे, ताकि जो आटे में बहुत अच्छे से एक स्मूथनेस आए, ताकि जो हमारा आटा है वो इस तरह से हमारा चिकना लगे दिखने में, क्योंकि तब हमारी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखिए आटे का कितना अच्छा टेक्सचर आया है, हमें ऐसे ही चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप पूरियाँ बना रहे हैं, कोई गेस्ट आए हैं या किसी ओकेजन पे, तो आप सब्ज़ी और दूसरी चीज़ें बनाने से पहले आटा लगा के रख दीजिए, जिससे जब आटा सेट हो जाता है तो बहुत अच्छी पूड़ियाँ निकलती हैं। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इससे आपकी पूड़ियाँ फूली फूली बनेंगी। बट अगर आप आटा रख देंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए, तो पूड़ियाँ बिलती भी बहुत अच्छी हैं और बहुत जल्दी बनती हैं। तो देखिए, अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े काट लेंगे। और मैं थोड़ा ऑयल लगाकर पूड़ियाँ बेलती हूँ। आप चाहे तो आटा भी सूखा यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और अब हम इसमें पूड़ियाँ बेलना शुरू करते हैं। ये देखिए, पूरी बिलकर तैयार है। तो ये देखिए, पूरी बिलकर तैयार है। तो इसी तरीके से मैं सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो लीजिए, मैंने 6 से 7 पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली है। चलिए, अब मैं इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ।
तो एक कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम इसे अच्छे से हीट होने देंगे, बहुत ज़्यादा हमें ऑयल हीट नहीं करना। और पूरी को डालेंगे। वाह फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ही मैंने ऑयल में डाली है पूरी को, वैसे ही देखिए कितने अच्छे से ये फूल कर एकदम ऊपर आ गई है। तो बस इसे हम पलटेंगे और ये देखिए कितना प्यारा ऑरेंज कलर एकदम आया है। हम दूसरी तरफ से भी ऐसे पूरी को सेकेंगे। 5 से 6 मिनट में पूरी तल के तैयार हो जाती है। सो चलिए अब हम इसे बाहर निकालते हैं। कितनी यमी लग रही है, चलिए एक और बार देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी कितनी अच्छे से फूल गई है। चलिए अब हम दूसरी पूरी भी साथ में फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी पूरी फूल गई है, बस इसको जगह नहीं मिल पाई दूसरी पूरी की वजह से, इसलिए थोड़ी कम फूली है, बट फूली दोनों हैं। तो इन्हें हम फ्राई करते हैं और उसके बाद इसे हम प्लेट में निकालेंगे। चलिए एक और बार हम देख लेते हैं। इसे हम पलटेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर कलर आया है इसका, बहुत अच्छे से फ्राई हुई है ये। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और इसी तरीके से मैं सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और अच्छी रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइएगा आप भी ये फूली फूली पूड़ियाँ। और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।